स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, टीम इंडिया के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ए राकेश ओझा, बी नमन ओझा, सी पवन ओझा या डी राजेश ओझा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि से नाराज कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक और केंद्र सरकार भारत को विश्वगुरु बनाए जाने की बात कहती है और दूसरी ओर लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में वृद्धि के कारण किसानों और आम लोगों के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार वृद्धि के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि इससे किसान की स्थिति बदतर होगी और व्यापारियों को केंद्र सरकार मदद पहुँचाने को लेकर कार्य कर रही है। और जब से ये केंद्र सरकार आई है आप देखिएगा टैक्सेस में क्या वृद्धि हुई है, ऐतिहासिक वृद्धि है। 100 रुपये के आसपास पहुंचने जा रहा है, 92 से लेके 100, ये पूरे देश में रेट है। जबकि आपको बताएं बेसिक रेट सब जगह आप लीजिए, कलकत्ता में 33,801 रुपया पर 1,000 लीटर है, मतलब 33 रुपये 80 पैसे है। झारखंड में 31 रुपये 53 पैसे है, भुवनेश्वर में 31 रुपये 26 पैसे है, बिहार में 24 रुपये 74 पैसे, मतलब इस तरह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो रेट्स है 33 रुपये के बाद आपका सब रेट, एक्साइज ड्यूटी है, डिपो चार्जेस है, फिर सेल टैक्स है, सारा बढ़ाते हुए आज रेट हमारा 100 के आसपास पहुंचने जा रहा है, 92 से लेके। ये सारे टैक्सेस हैं। ये पता नहीं मोदी सरकार जी को पता नहीं है कि जब रेट वृद्धि करेंगे आप डीजल पेट्रोल की तो महंगाई बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई हुई है, आप आसान पैसे लाने के लिए डीजल और पेट्रोल में वृद्धि करते जा रहे हैं। किसान मर रहा है, ट्रैक्टर चलाना, पंपिंग सेट चलाना उनके लिए महंगा हो रहा है। तीसरे तरफ का काला कानून 3 ले आए, पेट्रोल डीजल का रेट तो आप कम नहीं कर पा रहे, और उसके बाद अब 3 काला कानून ले आए। कानून बड़ा ही भयानक है। पहला कानून है कि जो मंडी है, मंडी की व्यवस्था खत्म करना, और खुले बाजार में बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी इसको खरीद के कर सकते हैं। दूसरा कानून है कि वो डंप अपने गोडाउन में करेंगे, जो भी चाहे उसको कोई रुकावट नहीं होगी। और जब देखिएगा, जब किसान का उपज होगा, मैं किसान भाइयों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको जगने की ज़रूरत है। जब आपका किसान उपज होगा, बेचने जाइएगा, तब वो जो भंडारण करके बड़े बड़े उद्योगपति रखे हैं उसको मार्केट में ला देंगे, आपका रेट कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आएगी कि आप लोग जो किसान हैं वो मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह सरकार किसान विरोधी है। यह कानून 3 उनको वापस लेना होगा और किसान को भी समझना होगा, ये 3 कानून बड़े उद्योगपतियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही जो विधेयक है, पहला इनका कानून क्या है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है। दूसरा है उनका सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन, कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इस पर तो और भी ख़राब है कि जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत बढ़ेगा। आपका कोई, आप चाहते हैं कि सरकार कोई अपने पास स्टॉक नहीं रखे, जो MSP रेट की बात हो रही थी देने की, सरकार खरीदती थी अनाज, अब ये जो कानून है अब सरकार नहीं कर देगी, अपनी जवाबदेही से भाग रही है। जबकि 70% किसान, ये अर्थव्यवस्था देश के किसानों के चलते है, किसान भाइयों को समझना होगा। और ये काला कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान भाई वो सही कर रहे हैं, और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग भी किसान भाइयों के साथ हैं और इस विरोध में करते रहेंगे। और जब तक डीजल पेट्रोल की कीमत
क्रूड ऑयल का आज कितना है, 70 रुपया रेट है, 70 डॉलर प्रति बैरल। यूपीए में 120 डॉलर प्रति बैरल है। आपको रेट घटाना चाहिए। आपका बेसिक रेट ही बहुत कम है, 33-34 रुपये के पास आता है, और सब सारे टैक्स के माध्यम से आप जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसका हम पुरजोर आपके माध्यम से विरोध करते हैं। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। नवगछिया, भक्तों ने विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना, भक्तिमय हुआ वातावरण। नवगछिया सहित आसपास के इलाके में वसंत पंचमी के अवसर पर भक्तों ने विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना की। इस अवसर पर भक्तों ने अज्ञानता को दूर कर जीवन में ज्ञान भरने की आराधना की। माता सरस्वती की पूजा को लेकर पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। नवगछिया शहर स्थित ग्रामीण इलाके में भक्तों ने माता की प्रतिमा को स्थापित कर पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ माता की पूजा अर्चना की। सरस्वती पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं मोहल्ले में माता की पूजा अर्चना की गई। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने माता सरस्वती की पूजा अर्चना की। मौके पर विद्यालय के निदेशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, शिक्षक सुरेश सिंह, पंकज कुमार दिवाकर चौधरी, नवरतन गुप्ता सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं नवगछिया शहर के द्रौपदी शिक्षा निकेतन में भी माँ शारदे की पूरे नियम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की गई। नवगछिया में जगतपतिनाथ महादेव का हुआ तिलकोत्सव, निकाली गई शोभा यात्रा। नवगछिया के गोपाल गौशाला में स्थित श्री श्री 108 श्री जगतपतिनाथ महादेव का तिलकोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से दिव्य मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। तिलकोत्सव को लेकर सोमवार की सुबह नवगछिया के घाट ठाकुरवाड़ी से जगतपतिनाथ महादेव मंदिर के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गाजे बाजे, ढोल नगाड़े व झांकी के साथ निकाली गई, जो पूरे नगर भ्रमण करते हुए जगतपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान महादेव के विधिवत तिलकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। तिलकोत्सव शोभा यात्रा में भूत प्रेत भी झांकी में शामिल हुए। जगतपतिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी रंजीत बाबा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी तिथि को नवगछिया के गोपाल गौशाला में स्थित जगतपतिनाथ महादेव का तिलकोत्सव किया जाता है, और इस बाबत घाट ठाकुरवाड़ी से शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में 51 भक्त अपने साथ तिलकोत्सव की थाली लेकर थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री थी। शोभा यात्रा में नगरवासियों ने कई स्थानों पर फूलों की बारिश भी किया। शोभा यात्रा में नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, किशन कुमार, संतोष कुमार, दीपक कुमार, गोलू, तारकेश्वर गुप्ता, प्रिंस गुप्ता सहित महाशिवरात्रि कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के बाल भारती में सरस्वती पूजा पर छात्र छात्राओं ने दिया जल जीवन हरियाली का संदेश। नवगछिया के स्थानीय बाल भारती विद्यालय में सरस्वती पूजा पर मां शारदे की पूजा अर्चना पूरे धूमधाम से की गई। मौके पर विद्यालय के प्रशासक डीपी सिंह ने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं के द्वारा ही मां शारदे की प्रतिमा बिठाकर पूजा अर्चना की गई, और पूरे नियम निष्ठा के साथ विद्यालय में मां शारदे की आराधना की गई। वहीं मौके पर बने पूजा पंडाल में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर खूबसूरत मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया गया। हेलो एवरीवन, आई एम कोमल फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। तो आज हम लोग इस दोनों थीम से, यानी कि ए फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के थीम से ये बताना चाहते हैं कि लोग जो आजकल बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, वो काफ़ी नहीं है। हमारी पृथ्वी को भी कुछ ज़रूरतें हैं,
लेकिन आजकल इतने ज़्यादा पेड़ काटना हो गया या फिर ज़मीन काटना हो गया, ये बहुत बढ़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे हमारे पृथ्वी को या फिर हमारे वर्ल्ड को, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। और इस दोनों थीम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, वो फ़ोटो देख के भी समझ लें कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और हमारे थीम को समझने की कोशिश करें। इस थीम के बारे में बताओ, ये क्या है थीम? इस थीम से हम लोग लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ क्यों हम लोग के लिए ज़रूरतमंद है। ऐसे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि पेड़ क्यों ज़रूरी है, पर जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको हम लोग इन फ़ोटो से दिखा के उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इधर हम लोग ने पेड़ लगाया और इधर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पर उस साइड जब पेड़ रहेगा तो जंगल होगा, तो जंगल में पशु पक्षी रहेंगे, तो जब हम लोग पेड़ को ख़त्म कर देंगे तो फिर वो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पेड़ बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएँ। इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, थीम क्या है सर? इस थीम से हम बताना चाहते हैं सर कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। सर जैसा कि हम लोगों का धरती पहले कितना हरा भरा था, जो कि अब नहीं रहा सर। अब पक्षियों का घर बर्बाद किया जा रहा है सर पेड़ काट के। तो सर हम इस थीम से बताना चाहते हैं, पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है सर पक्षियों के लिए भी सर। और झोपड़ी सर पहला कितना अच्छा हुआ करता था, लेकिन सर अब झोपड़ी को हटा के सर पक्के घर का निर्माण किया जा रहा है सर, जो कि सही नहीं सर। सही मतलब सर वो झोपड़ी भी ख़राब नहीं था, लेकिन सर गलत इस्तेमाल हो रहा है सर, बड़े घर बन रहे हैं सर, तो पक्षियों को भी दिक्कत हो रही है सर। अपना नाम और क्लास बताएं सर। नाम वैभव बुबना, क्लास 9B। अच्छा, भारतीय ऑफ स्टैंडर्ड 9B। हम लोगों ने दो स्कीम रखे हैं, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन में जैसे कि लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटने से बहुत सारे पक्षी सब भी मतलब कि नहीं है पृथ्वी पे, और ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं और मतलब हम लोग विद्यालय में कुछ ऐसा स्कीम रखे जिससे कि लोग समझ सके कि जिससे लोग समझ सके। मैं डीपी सिंह, प्रशासक, बाल भारती विद्यालय। कोरोना काल में भी माँ सरस्वती की आराधना और पूजा बाल भारती विद्यालय परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें 9वें और 10वें वर्ग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप ये सामने देख रहे हैं कि दो तरह का बच्चों ने मॉडल बनाया, डिफॉरेस्टेशन। आज डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, इसको लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये बच्चों के द्वारा मॉडल बनाया गया है, जिससे ये लोग जागरूक हो सकें और पेड़ पौधे के महत्व को समझ सकें। नवगछियान मंडल में कोरोना जांच में गड़बड़ झाला की आशंका। नवगछियान मंडल के विभिन्न पीएससी में हुए कोरोना जांच में गड़बड़ झाला होने का मामला सामने आया है। हालांकि विभिन्न जगहों के पीएससी प्रबंधन स्तर से इस बाबत किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया गया है। मालूम हो कि खरीक प्रखंड में 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें करीब 400 लोगों के डाटा के महज 5 नंबरों का ही प्रयोग किया गया है, तो वहीं बिहपुर में 266 लोगों के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन सबके मोबाइल नंबर की जगह 10 जीरो अंकित किया गया है। खरीक में 5 ऐसे मामले हैं जिसमें एक ही नंबर को अलग अलग जाँच में प्रयोग किया गया है। मोबाइल नंबर 7488952651 खरीर पंचायत की आशा कार्यकर्ता रेखा देवी का नंबर है। इस नंबर को 141 बार कोरोना जांच में प्रयोग किया गया है। वहीं अकीदपुर पंचायत की आशा कार्यकर्ता रूबी देवी के मोबाइल नंबर 8406064805 को 80 बार किए गए कोरोना जांच में प्रयोग किया गया है। रूबी देवी ने बताया कि उनके नंबर का किस तरह उपयोग किया गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मोबाइल नंबर 9110198344 आशा कार्यकर्ता निभा देवी का नंबर है। निभा के नंबर को 114 लोगों के कोरोना जांच में उपयोग किया गया है। बिस्पुरिया की आशा कार्यकर्ता सरिता देवी का नंबर भी 80 लोगों के कोरोना जांच में प्रयोग किया गया है। सरिता के पुत्र ने कहा कि 2 बार कोरोना जांच किया गया है, लेकिन बार बार उसके मोबाइल पर मैसेज आता था जिसे वह डिलीट कर देता था। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उन लोगों ने अक्सर ऐसा देखा है कि पीएससी में दिन भर 50 से अधिक लोग नहीं आए, लेकिन सुबह समाचार पत्र के माध्यम से उन लोगों को पता चला कि 250 लोगों का कोरोना जांच किया गया है। अनुमंडल के अन्य पीएससी से भी इस तरह की बात सामने आई है। खरीक निवासी युवा राजद के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसका पर्दाफाश करने की मंशा में सरकार नहीं दिख रही है।
वहीं पूछे जाने पर खरीक पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। जांच के बाद पूरा डेटा सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना था, जिसमें हर जांच की रिपोर्ट मोबाइल नंबर के साथ ही स्वीकार किया जाता था। कई ऐसे भी रोगी थे जो अपना मोबाइल नंबर अंकित नहीं करवाते थे। ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत के आशा कार्यकर्ताओं का ही मोबाइल नंबर अंकित कर दिया जाता था। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में जून से काम करने लगेगा वाटर सीवरेज प्लांट। नदियों में गिरने वाले नाले के पानी को शुद्ध कर उपयोग के लायक बनाया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत नवगछिया में जून से वाटर सीवरेज प्लांट काम करने लगेगा। संबंधित विभाग द्वारा दावा किया गया है कि लगभग 75% कार्य पूरा कर लिया गया है। बस रेल लाइन के नीचे से पाइप प्लांट तक लाया जाना है, इसके बाद यह सीवरेज प्लांट काम करने लगेगा। जानकारी दी गई है कि रेलवे में से एनओसी मांगा गया है, स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि नवगछिया कचहरी परिसर में सीवरेज प्लांट बनाया गया है। इस प्लांट का काम यह होगा कि नवगछिया शहर के वैसे नाले जिसका पानी कोसी नदी में गिरता है, उस नाले के पानी को पुनः शुद्ध करके उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जगहों पर 6 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कार्य वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था और पूर्ण किए जाने की तिथि जून 2021 है। सीवरेज की क्षमता 9 MLD है, तो यह परियोजना वर्ष 2035 तक के लिए है। कार्य की कुल लागत 61.89 करोड़ रुपए है। कार्य तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, जबकि कार्य नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत है। वहीं पूछे जाने पर नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता कमल किशोर प्रसाद ने कहा कि 75% कार्य पूरा कर लिया गया है। रेलवे से एनओसी मांगा गया है, एनओसी मिलते ही वे लोग उक्त सीवरेज प्लांट को चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा आज, तैयारी पूरी। नवगछिया के 9 केंद्र पर 4567 छात्राएं देगी परीक्षा। आज मंगलवार से आरंभ हो रही मैट्रिक की परीक्षा को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष मैट्रिक के परीक्षा को लेकर 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र छात्राओं के लिए बनाए गए हैं। सभी 9 परीक्षा केंद्र पर होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में 4567 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। नवगछिया के जीबी कॉलेज, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय रुंगटा, बालिका उच्च विद्यालय, बाल भारती विद्यालय, सावित्री पब्लिक स्कूल, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, मदन इलिया महिला महाविद्यालय, बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय एवं श्री लाल जी मध्य विद्यालय सिंधिया मकनपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं नवगछिया एसडीओ ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, अवैध रूप से सफेद बालू खनन को लेकर एसपी ने की छापेमारी, एक ट्रैक्टर को किया जब्त। नवगछिया शहर के कोशी नदी के किनारे धोबिनिया के समीप हो रहे सफेद बालू के अवैध खनन को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान एसपी ने सफेद बालू के अवैध खनन कर रहे एक ट्रैक्टर को उक्त स्थल से जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी को सूचना मिली थी कि धोबिनिया के पास कोसी नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध रूप से सफेद बालू का खनन किया जा रहा है। सफेद बालू के अवैध खनन को लेकर मिली जानकारी के आधार पर एसपी द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस के पहुंचने के पूर्व कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि एक ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। एसपी के निर्देश पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। मालूम हो कि नवगछिया के गंगा एवं कोसी नदी के किनारे अवैध रूप से बालू एवं मिट्टी का खनन लगातार किया जा रहा है। वहीं इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नवगछिया पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस बल के साथ एसपी ने बताया कि अवैध खनन को लेकर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी छापेमारी कर अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा व भक्ति के माहौल में शुरू। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा नवगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड सहित गोपालपुर प्रखंड के विभिन्न गाँव में श्रद्धा व भक्ति के माहौल में प्रारंभ हुआ।
निजी व विभिन्न सरकारी विद्यालय के अलावा युवाओं द्वारा आकर्षक पंडाल बनाकर माँ सरस्वती की पूजा आराधना की गई। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गांव के युगांतर पुस्तकालय में रॉयल किंग्स ग्रुप द्वारा भव्य पूजा समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रशांत कुमार, सचिव राजा राजवीर व संगम, भास्कर कुमार, विनीत कुमार, शुभम कुमार, सौरभ कुमार, सन्नी कुमार वगैरह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहां मां शारदे का पूजन किया जा रहा है। नवगछिया पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान, 17,300 रुपए की हुई वसूली। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नवगछिया के विभिन्न थाने में चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 76 लोगों से 3800 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 17 वाहन चालकों से 13,500 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। कुल 17,300 रुपए की वसूली की गई है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। वानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 mile नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।